एक साधु महाराज एक नदी के किनारे धुनी रमाए हुए दिन भर बैठे रहते थे और बीच बीच में चिल्लाते रहते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते से जो भी गुजरता वो उन्हें पागल समझकर अनसुना कर देता और जो उन्हें सुन लेता वो उनकी हंसी बनाकर आगे चल पड़ता। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उनसे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु महाराज बोले, हाँ बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझे बताना पड़ेगा कि तुम पाना क्या चाहते हो। युवक बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु महाराज बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा यह दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी मन स्वरूप परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु महाराज की बातें सुनी और उन्हें धन्यवाद कहते हुए वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के दो गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से अपना काम करेगा। कुछ समय बाद उसने एक हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ काम आरंभ कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, जीवन में सफल होने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने पास रखें, क्योंकि धैर्य और समय दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं अफसोस कहलाता है। और कठिन समय में कभी भी धैर्य का दामन न छोड़ें, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके पास धैर्य है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।